देखो दोस्तों कैसे लड़ रही है अपने मौसी के साथ। ये देखो, ये देखो, हाँ यही तो कह रही हूँ, क्या करें बताओ। श्रीमन नारायण दोस्तों, स्वागत है आपका मम्मी के न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं मंदिर से, थोड़ा लेट हो गई है लेकिन मैं मंदिर से शुरू कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा मंदिर। ये देखिए हमारा मंदिर, आज कान्हा जी को पहनाई है मौसी ने ब्लू कैप नहला के, और ये प्यारी सी ड्रेस मल्टी कलर की। ये देखिए माता रानी, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, हमारे पेड़ भी सूख गए, इतनी गर्मी है बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं कितनी गर्मी हो रही है। ये बिल्कुल यहाँ जाने लायक भी नहीं हो रहा, इतना गर्म हो रहा है। ये देखिए, और दिखाती हूँ, ये देखिए फूल पैर बिल्कुल जल रहे हैं, देखिए। तो ये सब है और मैं आपको अंदर दिखाती हूँ क्या चल रहा है। तो आज छुट्टी है तो दीदी ने पूरा पसारा फैला रखा है ड्रेसिंग टेबल को, और हमारी अलमारी भी रेडी है, और मम्मी भी लेटी हुई है। ये देखो मुँह और इनकी हरकतें दिखाती हूँ मैं आपको, ना चाहते भी मुझे इन लोगों का व्लॉग बनाना पड़ता है। तुम्हें पढ़ाई कर रही हो, उनकी हरकतें देखो। लब्बू ने पता नहीं क्या, लब्बू क्यों लगाया बेटा सिर पे, ये देखो शैतानी करती है ना ये। ये भागते हुए जा रही थी, मस्त गेट लग गया माथे पर, रिज का लगा ना, रिज का। हाँ, और आज ये शांति भी है, रुई है, पढ़ाई कर रही है, उनकी हरकतें देखो, उनका मन नहीं करता पढ़ने का। आज इनकी छुट्टी है, ब्लू नहीं चाहिए, लगे पढ़े अपने दिन में, दिन में उसको पढ़ने नहीं दे रहे। ये हाल है इनकी, पढ़ाई लिखाई चौपट है। मैं भी लेटी हुई हूँ, सुबह से ब्लॉग बना रही हूँ। भाई साहब आए हुए हमारे बड़े वाले बाहर हैं, बेचारे अकेले, क्योंकि इसके पापा भी ऑफिस गए हुए हैं, तो बाहर सकले बैठे हैं। बहन ने इनको चाय वाय दे दी, वो भी खाना बना रही है बहन ने मेरी। तो देखो लब्बू ने नए जमाने की टेप चिपकाई हुई है, नई टेप चली हुई है आजकल, जिसने हमने माथे पर लगाई हुई है। दिखाओ बेटा, न्यू फैशन, भूमि कह रही न्यू फैशन की है वाली, वो किसने बंद कर दिया बेटा वो देखो। और एक एक भी नहीं, दो दो दिखाओ बेटा, एक भी नहीं, दो दो लगाई है, दो दो छोड़ो, इनको छोड़ देते, इनके हाल पे अपने आप खेलते थोड़ी देर। गया दोस्तों, उनका खेल खत्म नहीं हुआ, इन्होंने सब बजार बना रखा बिस्तरे में, ये दो जने तीन जने आए हैं, साफ में सफाई और पूरा बाजार बना कर इनके बाजार में आपको एक बार दिखाती हूँ। देखो इनका बाजार, अरे बहुत अच्छी है, और खेल कर रहे हैं बाजार बाजार का। एक कुछ कठपुतली है, क्या छोटी दो ही है, और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए फाउंडेशन है, मेरा खाना आ गया है, मूंग की खिचड़ी, मैं खाती हूँ खिचड़ी और उसके बाद रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर। तो अभी हम लोग खेल रहे थे, मम्मी ने आपको दिखाया ही है कि हम लोग कैसे खेल रहे थे। तो हमारा खेल खत्म हो गया, भूमि सामान समेट रही है और खाना वगैरह भी रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ खाना। देखिए मस्त खिले खिले से चावल, पहले हमारा खिचड़ी बनाने का प्लान था लेकिन फिर दाल चावल बन गया। ये देखिए खिले खिले, और ये प्याज से आम की चटनी मौसी के बगाए हुए द्वारा। ये मम्मी ने खिचड़ी खा ली है, दीदी बर्तन धो रही थी, और दोस्तों ये देखिए ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी बैठ के टीवी देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मौसी ने जो चटनी बनाई थी ना, वो हमारे बाहर के पुदीने तोड़ के बनाई थी। दाल भात बनाए, तू क्या बटकी झुटका नहीं कह रही थी, दाल भात ही बना। तो ये पानी देखे पी लिया, खाना रेडी है, चलो मैं खाना लगा। तो खाना लग चुका है ताऊ जी का, और ताऊ जी खाना खाने बैठ गए हैं। हाँ ये लोग भी अपना खाना ला रहे के करके, और भूमि का सामान अभी तक समेटा नहीं, वो बालकनी में चली गई है सामान रखने। देखे आ गई है, और मम्मी अब थोड़ी देर आराम करेगी, तो चलो हम खाते हैं। यही आगे देखो, आज इस कमरे में एसी के नीचे खा रहे हैं, और लब्बू रोने लग गई, भूमि तो मेरी वाले कितने सारे फोन में, और लब्बू के मुंह में मौसी ने उंगली दे दी है, और इसको मम्मी ने मार दिया। खुद खिलाओ मम्मा खाना, खुद खिलाओ। अब कमजोर इतनी हो गई, बहुत गंदी बच्ची है, क्यों हो रही कमजोर, फोन देखो सारा, फोन खाना तो फोन में लग जाता है सारा ध्यान। तो आई एग्री, आई आल्सो एग्री।
आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती नहीं है माँ बाप की, इनके हालत आते हैं कि बच्चों को खिलाएंगे तो फोन पकड़ा के ढवाना पूरे भेज दिया। कब भी नहीं खा रही है वो, खा भी तो नहीं रही है वो खाना, हमारी मम्मी तो खिलाया भी नहीं, कह रही हमारे मम्मी तो खिलाओ। वाकई मैंने इनको अपने बेटे को कभी अपने हाथ से खाना नहीं, हमने तो कुछ खाया, खाना कहती थी मैं, कहती थी गिरा गिरा के खाया, मैं कहती थी खाना खाओ नहीं खाना मत खाओ, और हमारे टाइम पे तो फोन था ही नहीं, ना फोन भी नहीं, मैं कहती थी खाना खाओ नहीं खाना मत खाओ, मेरे टाइम पे तो मम्मी का फोन ही नहीं था। दोस्तों नए बच्चे खुश सो रहे हैं ना, मुझे सुने दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, इनको हर समय मस्ती छाई रहती है। अभी देखो इनकी हरकतें दिखाती हूँ मैं आपको, ये नहीं कि थोड़ी देर सो जाए, मम्मी को रेस्ट करने दें, क्योंकि हम लोग सब एक ही रूम में है ना एसी में, तो ये भी बस अपना मस्त है, लब्बू ने खा लिया पर सो नहीं रही। दिखाती हूँ इसकी मस्ती आपको मैं एक बार, ये देखो देखो दोस्तों क्या काम है इनका, ये टिम्मू भी बच्ची बने के साथ, ये नहीं कि थोड़े रेस्ट कर लो ना, ये भी बच्ची बने इसके साथ, देखो देखो ऐसे लगी रहेगी बस, इसने ट्यूशन जाना है 4 बजे तो ये सो नहीं रही है, इसके साथ ऐसे लगी रहेगी। तो मम्मी गई थी हॉस्पिटल और हम सब घर पे थे, मम्मी भी हॉस्पिटल से आ गई और हम सब खेल रहे थे, और आज बर्तन धोने वाली नहीं आई तो बर्तन भी हमारी प्रिय है मौसी को धोने पड़े, सो सैड सो सैड। और मम्मी ये देखो बैठी है, मम्मी और उनके साथ ताऊ जी भी गए थे हॉस्पिटल, तो अब सब कुछ हो चुका है, मुझे फूलों को पानी देना है जो मम्मी बोल के गई थी और मैं देना भूल गई, तो मैं फूलों को पानी देती हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने कोई नहीं, डॉक्टर ने दिखाया ठीक है ठाक है, बाकी सारा कुछ खाओ खाना वाना, रोटी भी खाओ और सब कुछ खाओ, बस तेल और कम खाओ, और दूसरा क्या बोलते हैं, और दूसरा ये बोला ड्रेसिंग करवाई मैंने 3 दिन बाद फिर जाना है, अगर सही हो जाएंगे तो टाँगे कटवा देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा वो करेंगे, मतलब ड्रेसिंग होगी। फिलहाल अभी आ गई हूँ, रेस्ट करती हूँ, लेटती हूँ, फिर सिलाई तुम्हारे लेते सारे, ताऊ जी भी गए, पापा गए थे, पापा भी गए थे और ताऊ जी भी गए थे, ये देखो मम्मी से मिलने मौसी आई है, संगीता मौसी जो कि बहुत बार व्लॉग में दिख गई। देखो सब लोग बैठे हैं, दीदी भी ट्यूशन से आ गई, हाँ मौसी मौसा जी दोनों आए हैं। मौसी पकड़ के लाइयो, इन देखो सब बैठे हैं यहाँ एक एक जना, लबू का कुछ एक एक खुश हो गई है। फिर दिखा के आए, जैसा कि मेरी बेटी ने आपको बता ही दिया है, और अब इसकी मौसी आई है गुड़गांव वाली मुझे देखने के लिए, तो इसने वो भी दिखा दिया है, और आए हैं वो लोग आज मेहमानदारी हुई रखे, भाई साहब भी आए हैं वो भी आए हैं, और बच्चे तो लग गए अपने काम में, कान्हा ना वहीं से इंतजाम करके लाया है, मेरी सिस्टर का बेटा दिखाती एक बार आपको, इनकी शुरू हो गई ये, और कान्हा लेके आया, कान्हा क्या लेके आए बेटे, क्या करोगे इससे तुम, ये देखो खेल रहे हैं, देखो कान्हा ने सबको जुड़ा लिया बस, ये भी अच्छा ही है कि कान्हा ने सबको अपने पास बैठा के कर लिया, ये देखो बहना जी मेरी थोड़ी हेल्प करे भी है काम में आ गई देखने, मुझे इस बहाने से आई है देखने के, है ना, ये देखो लब्बू तो चिपक गई, कान्हा भैया, कान्हा भैया फेवरेट भैया, ये वो 2 मिनट के लिए फेवरेट है उसको मार दे एक बार वो बस, सही कह रही है, और गिन्नी ने कितना कुछ कहा है आज, गिन्नी कह रही है मेरे मामा को मारने की जरूरत नहीं है, बल मेरे मामा को मारने की जरूरत नहीं है कह रही है गिन्नी, गिन्नी तुम क्या करोगी, मैं तो मारूंगा, बस मेरा भी तो मामा है ना, बोलो आप ही का थोड़ा है, आपको इतनी चिंता है तो यहाँ आओ, बोलो बोलो, कल तक एक मौसी थी खाना बनाने वाली,
आज दो दो मौसी आ गई हैं, तो देखते हैं आज ये किचन में अपना क्या कमाल दिखाएंगे, दोनों क्या बनाएंगे। और यहाँ पे सब लोग मैच देख रहे हैं क्रिकेट, जो कि बारिश आ चुकी है। ये देखिए अंदर ऊनो चल रहा है, यहाँ मैच, यहाँ खाना बन रहा है। ये देखो दोस्तों बच्चे हो तो बच्चे ही हैं, यहाँ बड़े भी ऊनो खेलने में मगन हो रहे हैं। मौसी को भी बहुत चस्का चढ़ा हुआ आजकल सबको ऊनो का चस्का चढ़ा हुआ है, पत्ते बेकार हो गए अब। मौसी यहाँ पर मम्मी की हेल्प कराने के लिए आई है, देखो इतनी अच्छी हेल्प हो रही है। मम्मी का एंटरटेनमेंट कराते हम थोड़ा। ये हल्ला देखो कैसा मचा रखा है, ये है असली असली काम करने वाले, ये है ये। बोला कि थोड़ा थोड़ा वॉक करना, एक दो राउंड थोड़ा सा बालकनी में वॉक करने जाती हूँ, करके आती हूँ वॉक। वॉक करने के लिए आई, यहाँ तो अलग ही गेम चल रहा है, कुछ दिखाती हूँ आपको। देखो कैसे खिलाड़ी आ रखे हैं यहाँ खेल, जब इनको जो करने को मिलना ना वो कर रहे हैं। बताओ बालकनी में बैडमिंटन खेल, दोस्तों हमारी तो बालकनी अच्छी है, खेलने लायक है। तब ये देखो ये एम्पायर बैठे हैं यहाँ पर, चेक कर रहे हैं, अरे खिलाड़ी खेल रहे हैं। देखो मैदान में सब कुछ यही, अभी वो खेले थे उनका खेल वो दिखाया था, और आप देखो ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये नहीं खाना ना खिलाएं खाएं, सब लोग आ रहे हैं आज हमारे घर में, जो रखा हुई है तो ये अपना ऐसे ही बीजी है दोनों जने। ये देखो क्या कह रही है, सुनो दोस्तों, कह रही की मेरे मजे आ रहे हैं क्योंकि मुझे खेलने का मौका मिल रहा है बस सबके साथ। एक भाई इनका आया हुआ है और दो ये आ रखे हैं, देखो ये दो ये चुड़ैल आ रही हैं। ये देखो ये एक आए नहीं पूतनी, ये देखो देखो ये छुटके इनको देखो, इनके साथ मजे ले रही है, कितनी सुंदर लग रही मेरी क्यूटी पाई। इसके ना दोस्तों चोट लग गई यहाँ पे, देखो ये चोट लग गई, फिर बटाडीन लगा रखी है। आप लोग देख सकते हैं हमारे घर में क्या क्या बना है, रायता, छोले, चटनी, ये छोड़ रही हैं, ये काट रही है खीरा, ये बना रही है रोटी, ये अपना अलग ही बतानी। इनको मैच के बारे में एक सवाल पूछ लो, उसका जवाब नहीं देंगे, मुझे खुद नहीं पता। तो खा लिया है लौकी सब्जी और रोटी, और यहाँ देखो महफिल जमी है खाने पीने की, कुछ नीचे कुछ ऊपर दिखाती हूँ बार आपको। ये देखो ये कन्याकुमार बैठे हैं हमारे, ये एक कुमार जी भी बैठे हैं उधर, ये देखो ये खिलाड़ी है छुटके को, उधर बड़े लोग खाने में बैठे हुए हैं टेबल में, भाई साहब है, संजू है, इसके पापा हैं, संगीता रोटी बना रही है अंदर, कप्पू अपनी बेटी को खिला रही है। सही हो रहा खाना, छोले बोले भूमि का फेवरेट रहता बना आज तो, बूढ़ी का मजा आ रहा है, गुन्नू को पसंद नहीं है बूढ़ी का रायता, नहीं खाते हैं लोग। पूजने वाली तो है ये वाला पैकेट ही कंपनी का, बुरी का। दोस्तों हमने खाना वगैरह खा लिया है, खाना वगैरह खा के सब फ्री हो चुके हैं और सब अब अपने रूम में चले जा चुके हैं। मैं आपको दिखा दूँ हमारे रूम में क्या, देख सकते हैं आप लोग हमारे रूम में क्या ब्लफ चल रहा है। ये है ना बच्चे जुहारी, ये मौसी फोन पे, ये अलग ये है सबसे बड़ी जुहारी, पैसे बाहर चल रहा है क्रिकेट। यहाँ मम्मी लेट गई है, ताऊ जी भी लेट गए हैं। तो कल मिलती हूँ आपको एक नई उमंग, नई तरंग और नई ताजगी के साथ। प्लीज मेरी मम्मी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन्नारायण।